सी देखो मेरे हिसाब से थे ना थे थारी पावर से डैमेज कौन कर सको और अगर थार है तो थे लगा के देख सको काफ़ी सारा सीट है मेरे करिए देखो यहाँ यूएसए की भी है ये इम्पोर्टेड सीट है अभी काफ़ी मजबूत सीट है ये कास्ट है भी ये थाईलैंड की है लाइटिंग भी अभी इम्पोर्टेड लाइटिंग बढ़िया लाइटिंग दी है तो मैंने पावर को भी अच्छे खासा ध्यान रखे है नॉर्मली मतलब जो मोबाइल चार्जर है ना बितो पावर कंजप्शन है ही को अब गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में भी नीट आईआईटी जेईई एंड ओलंपियाड्स की अलग से तैयारी फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन में एडमिशन के लिए संपर्क करें राम राम साहब मैं थरसा तरुण थे देख रहे हो झलको झुंझुनू आज अब पहुंचे हैं गुड़ागोड़ जी तहसील की छाउसरी ग्राम पंचायत में जड़ते मेरे पीछे देख पा रहे हो कि कुछ मंदिर टाइप रखे डाई है कुछ मंदिर टाइप नहीं आ एक फैक्ट्री है जठे राम मंदिर का जो बनान को काम है वो जोरों शोरों पर चल रहे कमलेश जी की जो यहाँ फैक्ट्री है एक मैं नापा पहुंचे हाँ कि मतलब के पूरी प्रक्रिया है मंदिर बनावा की और एक छोटा सा गांव के मायने वो अति बड़ी प्रोसेस की आधार पर चालू करी सारी बातचीत आप करेंगा थान वीडियो स्किप कौन करना बहुत ही शानदार वीडियो है लास्ट तक जरूर देखना ये फैक्ट्री के मायने जो ओनर हैं कमलेश जी वह अपने साथ मौजूद हैं बातचीत है आप बाहू करेंगा और जो प्रक्रिया है बाहू जानेंगा राम राम जी राम राम कमलेश जी जहाँ राम मंदिर ते बनाओ उड़े तो आ सूझबूझ कठे आई थान ये सूझबूझ के मायने एक तो मारो जो पुश्तैनी काम हो मंदिर के निर्माण कार्य करिया करता महाराज वो पहले बडका वे एक तो बाबी ही दूसरी जो मान लो कि राम जी की इच्छा मान लो या बाको आशीर्वाद मान लो कि मैं आ गई ने बढ़ा रहे लेके चाल रहे मारो यू है कि हर घर राम मंदिर होना चाहिए क्योंकि राम से बड़ो कोई गुनी तो भी चीज़ नहीं मिले कि आगे बढ़ा कदू यो चालू करो थे काम काम मत देखो मतलब 12 महीना होगा लेकिन अभी 2-3 महीना सी में काफी मतलब जो प्रोसेस है मूल रूप से जो प्रक्रिया कमाया है अभी 2-3 महीना हुआ है हाँ 2-3 महीने से है अभी मूल जो प्रक्रिया है प्रोडक्शन के अंदर बता सको थे बिग मायने 2-3 महीना से आए हो 2-3 महीना भी कोई 2 महीना से आए हो क्योंकि एक अंदर देख रहे हो काफी वर्क है हर चीज अब जो है छोटी सी बात ये नहीं देखोगा नहीं मैं अगर जरा सो फर्क है मायने कौन घुस सको जब बड्डो जाओगे छोटो जाओ ढिलो जाओ तो ये सब चीज आएगा अंदर बहुत बारीकी को काम है वो काफी बारीकी को काम है यो जो आपने भी दिख रहे हैं देखो काफी छोटा छोटा प्रोडक्ट है एक बात देख पा रहे हो कि जो प्रोडक्ट है छोटा छोटा पहले आऊँ जो मशीन आई प्लांट भी विजिट में दान कराऊँ बड़े दिखा कि भाई जो रॉ मटेरियल है ये रॉ मटेरियल ने फिर इस तरह से तैयार करो जा है और इस साबुत तैयार करके फिर पार्ट बाय पार्ट जो राम मंदिर है बिको निर्माण है वो करो जाए जो प्रोसेसर के बाद के मायने पूरा राम मंदिर को निर्माण है वो है क्योंकि काफ़ी माइनर काम है वो तो कमलेश जी जहाँ अभी थे एक दिन के मायने कता के मंदिर बनाओ एक दिन के मायने साइज पे डिपेंड करे जाए बड़ी साइज है थोड़ी ये थोड़ा जल्दी बन जाए बाकी जितनी छोटी साइज है ना बीती जट्टी लेवा छोटा छोटा पहाड़ ये है ना बहुत ही मुश्किल है निकालना तो एक मैं कती के साइज है थारगन कती साइज अवेलेबल में साइज प्राइज और मटेरियल वगैरह जो भी है ना सारो कस्टमाइज है जैसे मन बताओगा कि मानी तो बड़ो चाहिए जो साइज थे बताओ अच्छा जय को अगला की जरूरत है जय और एक मंदिर चाहिए तो और भी तैयार कर हाँ वो भी तैयार करना हमें एक बार जाए कि आप देख भी पा रहे हैं कि भाई कई तरह की साइज ही भाई अवेलेबल अठे दिख रही जय मान लो एक छोटो प्रोडक्ट है वो भी है फिर इशू बड्डो है वो भी है और फिर कुछ प्रोडक्ट हैं भाई यूँ भी बढ़ाएं और बाकी जो कमलेश जी आपने बता रहे हैं कि भाई जिन्हें को आपने नीड है बैंक की साइज है बाबा बना देंगे तो कमलेश जी एक यू कुछ अलग सो पीस आपने दिख रहे वो क्या आइटम है यो भी यो ही सेम ही प्रोडक्ट है या फिर कुछ अलग है यो अलग है इम्पोर्टेड है यो भी एक मायने जो एक्रेलिक काम में लिए मैं एक कास्ट एक्रेलिक है इम्पोर्टेड है अभी इन्हें थे जब बाहर ने भी रख दोगा धूप में रख दोगा पानी में रख दोगा तो कलर फेड होनो या यू गर्म से बैंड होनो मतलब ऐ को कुछ काम को नहीं के अंदर पूरी के अंदर लाइटिंग भी बहुत अच्छी खासी दी में वर्क भी थे देख रहे हो पे काफी अच्छे वर्क करे मैं खुदाई भी करी के अंदर देखो बिल्कुल ऊपर एकदम खुदाई करे काफी शानदार वर्क है वो दिखाना चाहूंगा थन में एक बार श्री राम मंदिर अयोध्या वो चीज भी लिखेड़ी है काफी अच्छी शाइनिंग है गोल्डन कलर के मायने जो अवेलेबल है दिख रही है जो लाइटिंग की व्यवस्था भी है क्योंकि लाइटिंग वगैरह लगा के आदमी घर आए ने जो है थोड़ा सा और चार चांद है बेलाक्स की एक अंदर अगर म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था भी चाहिए ना तो भाभी मैं कर सका अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी मंदिर का मैं तय कर सका मैं लगा सका बिग माइन और बिग माइन थे मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव या ब्लूटूथ वगैरह या जो भी था कनेक्टिविटी क्रॉस को काफ़ी बारीकी का काम है तो कमलेश जी एक चीज़ मैं थारों जानना चाहूँगा
जैसे भाई छोटो सो गांव है, गांव के मायने थे आज चालू करी तो कौन सी प्रॉब्लम ही थारे सामने आई? गांव के अंदर तो काफी सारी प्रॉब्लम रहे, जैसे कि पावर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहे। दिन में तो मतलब कम से कम भी 20-25 बार पावर चली जाए, हालांकि नाइट में जरूर मारो बढ़िया चल जाए काम, पूरी नाइट लाइट रहे तो नाइट में भी आदमी मारा काम करे भी लागया रहे। अभी के हर कन कतार के वर्कर हैं वे लागया रही है, कतो और जो प्रक्रिया है वह बाकी रह रही है क्योंकि अपा तो फाइनल टच देख रहे हैं, तो एक जो रॉ मटेरियल तैयार करो जब वो भी थे उही करोगे? बोरे करे मारकन सीट आवे 4x8 फीट की सीट आवे पूरी और प्रीलिमिनेटेड है वह, जो अब तक की शायद ही कोई भी पे काम करे राम मंदिर को, अब तक भी जो इंडिया प्लेटफॉर्म पे देखा है, जो भी पार्टियां देखा ना, शायद ही कोई भी मटेरियल के ऊपर काम करे, क्योंकि अभी सर्च करोगा गूगल पे तो भी मटेरियल के अंदर को मिला, हालांकि और मटेरियल में मिल जाए थाने जो मान लो नॉर्मल MDF भाव है भी कमाई मिल जाएगा, लेकिन एक मायने काम करना तो बहुत ही जटिल काम है, क्योंकि एक क्लीनिंग ने लेके है ना बहुत बड़ी समस्या है, दूसरी ये जो पॉलीथीन जो सेफ्टी के लिए पॉलीथीन लगाई है वही ऊपर, तो बिना उतारना भी बहुत मुश्किल काम है, बिना मतलब बहुत ही उतारनी पड़े भी हाथों से, तो दूसरी एक कटिंग होने के बाद में एक छटाई हुए अलग अलग पुर्जा से देख रहे हो ना, एक साथ कट्टे सारा मशीन के ऊपर, फिर यहाँ की अलग अलग छटाई हुए कि जी ये न, ये साइज़ का तो ये अलग अलग करो या ना अलग अलग करो, यहाँ करिए छटाई छटाई में बाहर से करवाऊँ, बाहर जो महिला जो फ्री बैठी है ना बाहर, अच्छा जो वर्क दो, हाँ बाहर भाई पार्ट टाइम जो भी जनसी ना 20 साल से मैंने बाहर ने दे पर बड़े से छट गए थैला में गल क्या होगा उसे देख रहे हो हिसाब, अच्छा ये हिसाब की वह घर तैयार करके वह देती है पूरा कटिंग होगा भी मायने जो वेस्टेज है वो निकाल के फिर ये जो पार्ट है वे छाट छाट के थैला में गाल गाल के जो वर्क अलग दे देगा तक वापस बाद में, ये हमारे जो सहयोगी हैं ये एक मायने जहाँ फर्स्ट फ्लोर बना रहे, एक जनू ग्राउंड बना रहे है, एक सेकंड बना रहे है, तो एक मंदिर ऐसे आप समझना चाहूंगा भाई फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की क्या डेफिनेशन है, मैं थारों जानना चाहूंगा। यो इको ग्राउंड फ्लोर है, यो नीचे यो, अच्छा एक बाद में यो फर्स्ट है, इनमें सेकंड बोला यो टॉप फ्लोर बोला, इन यो टॉप फ्लोर है यो बिल्कुल मंदिर के मायने काफी बारीकी से काम करे, और एक मैं ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर एंड टॉप फ्लोर जो गुम्बज टाइप है वो भी दियो काफी अच्छी बारीकी के एक मैं काम है, और एक मजबूती कति की है? मजबूती देखो मेरे हिसाब से थे ना, थे थारी पावर से इन डैमेज कौन कर सको, और अगर थार है तो थे लगा के देख सको ना, मतलब ऐ थे नहीं नहीं हिसाब से मतलब डैमेज कौन कर सको थार जितनी, अच्छा, पावर ट्राई कर लोगे थे ट्राई कर लोगे बिल्कुल अपन ट्राई करांगा ही पर बिल्कुल मजबूती है वह काफ़ी है कमाए जो टूल्स यूज किया गए हैं बस शानदार तरीका गए, बाकी जो प्लांट एरियो है बिको भी मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा भी जो रॉ मटेरियल है कहीं सी तैयार करो कहीं सी सीटाई कटिंग हुए क्या प्रोसीजर है? कमलेश जी का प्लांट में आप पहुँच गए, हाँ कमलेश जी हूँ बारीकी हूँ समझांगा क्योंकि काफ़ी माइनर काम है, और बी के बाद में बसीना ही आकर भी सो कहीं सी की प्रोसीजर है वह चाल है, हाँ कमलेश जी ये मार्कन अलग अलग सीटा हुआ है, देख रहे हो ये जो मतलब लाइटिंग के लिए ये भी लाइटिंग के अकॉर्डिंग काम करे या एक सीट बिना लाइटिंग का काम करे, अच्छा इको थे देखो ये देखो ससरी जे अंधेरे में जागी ना या तो ये ग्लो करेगी अपना अभी बिना लाइटिंग ग्लो करेगी, या ये सारी इम्पोर्टेड सीट है अब यह अड़े से डिस हो रही है, आज जगह डिस हो रही है ना तो इन धूप में ले जाओ थे 5 मिनट इन धूप में रख दो वापस या ये चार्ज हो जाएगी इसकी सीट की, या खासियत है बाकी काफ़ी सारा सीट है मेरे घर, यह देखो यहाँ USA की भी है, ये इम्पोर्टेड सीट है अभी काफ़ी मजबूत सीट है, ये कास्ट है अभी ये थाईलैंड की है, अगर काफ़ी सारा सीट है मेरे घर ने कलर भी काफ़ी सारा है वाइट में भी है मेरे घर, ये वाइट है ये देखो, अच्छा ए जो सीट ही ए थर मंदिर का मैं काम ले जाए, बाकी जो जो मशीन ही कौन सी मशीन से कटिंग हुआ है वा? ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी जो कटिंग के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यही है अभी, अच्छा ये मशीन को इस्तेमाल करो, हाँ इको इस्तेमाल कर अंदर ये जो सीटा देख रहे होंगे हाँ सीटा एक माए रखी जाओ और आँख ऊपर कटिंग चल रहा है, कटिंग जो है 4x3 की साइज में है ना 4x3 की साइज के माए ने लगभग 6 घंटा मशीन लेवा है, अच्छा। एक सीट को पर। अच्छा एक सीट की कटिंग में 6 घंटा लग जाए, एक सीट की कटिंग में 6 घंटा लग गया, कटिंग इतनी बारीकी चल रहा है, अच्छा कटिंग कटिंग के बाद का माइने जो सीट है भाई में पार्ट्स में कन्वर्ट, अच्छा आज हाँ मैं कन्वर्ट हो जाए, हाँ मैं कन्वर्ट हो जाएगा भाई बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा का मायने जहाँ कन्वर्ट होके तो जो टाइम है मशीन ले है हाँ। तो जहाँ मान लो जितनी भी रॉ मटेरियल पड़े हैं जो पड़े ये सारा एक अंदर लग गए, अच्छा ये अलग अलग हाँ। तो एक मैं कमांड देखी थी करता होगा, हाँ कमांड देखे कराए ना, और बिक बाद का मायने ऐसे तो बन जाए बिक बाद की क्या प्रोसेस है? बिक बाद की असेंबलिंग की प्रोसेस है, असेंबलिंग जो ऊपर चल रही है, हाँ जो ऊपर चल रही है वह प्रोसेस है,
ये भी मैं दो मशीन लगा रखी है। अच्छा, एक माए भी दो मशीन लग रही। हाँ, एक बड़ी ये देखी बा लाग रही है, एक बड़ी चाल रही है। अच्छा, ई प्लग माए भी प्लांट का माए भी लाग रही है। हाँ, चाल रही है। अभी ये मशीन लाग रही है, एक माए ने भी कटिंग चाल रही है। अच्छा, ये अभी कटिंग का ली। हाँ, कटिंग चाल रही है बड़े मारो डिजाइनिंग को। तो डिजाइन है बा दी जाएगा वहाँ। हाँ, बा बड़े से डिजाइन करके मैं दे दूँ, फिर ये आगे को वर्क ये करे, मीन्स फाइल ने सेटिंग। तो फिर जो है कट के मतलब छोटा छोटा पार्ट कमाई नहीं आ ये जो है बड़ा बड़ा देख रहे हो ना, बड़ी साइज का ऊपर मंदिर देख रहे हो ना, बा मंदिरा का हिस्सा ही देखो यार, ये कटिंग हुआ है, खुदाई हुआ। अच्छा जी, साइज का जो कटिंग थन करनी है वह कमांड दे के वह रख दो थे कटिंग और काफ़ी बारीकी से या कटिंग है। देखो एक माँ देख रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वह मशीन ही दे दे एक माँ। डबल डबल लेयर भी गाल लिया है अंदर, मजबूती को तो बहुत ध्यान रखे हुए, एकदम खासो ध्यान रखे है। और ये देखो ये दूसरा कलर के अंदर है, ये भी देखो कितना शानदार लग रहे हैं। एक माँ आप एक चीज़ स्पेशल देखेंगे क्योंकि बारीकी के बाद में कलर वेरिएशन भी दें शानदार है। ये देखो तर सामने पड़े हैं। अच्छा, फाइनल सैम्पलिंग है। हाँ, फाइनल सैम्पलिंग होगी या एक अंदर अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कलर के अंदर भी है। ये जो गोल्डन मिरर की सीट है या एक माइन में बनाए, यो सबसे छोटो मॉडल मारो यो है। अच्छा, गोल्डन का मैं सब छोटो यो सबसे छोटो ये है। यो मेरी इच्छा है कि मोदी जी ने मैं देऊँ। अच्छा, मोदी जी तक पहुँचाओगा देव। हाँ, क्योंकि मैं यो एक यूनिक बनाया है, अभी तक मेरे साबु शायद ही कोई पूछ पाए तक, बहुत ही यूनिक बनाया है मैं, बहुत बारीकी से काम करे, मैं मेरे खुद का हाथा से बनाया, तैयार करे इन्हें, एक डिजाइनिंग भी करी है, काफ़ी सारों के ऊपर वर्क भी करे। फिर सेकंड मंदिर यो है, इससे बड़ो थोड़ा यो है, जो भी गोल्डन मिरर एक कास्ट के अंदर ही है। और फिर इसके मायने ये हुए मार्गन प्री लेमिनेटेड इंजीनियरिंग वुड बोल रहा है इन्हें, तो वो भी कमाइन है। मटेरियल इको भी है ना, काफ़ी मतलब बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल काम लिए में। एक बार लाइटिंग वगैरह भी लगा रखी, लाइटिंग भी लगा रखी है। दूसरी इसके अंदर राम दरबार भी लगा रखा है। अच्छा, राम दरबार भी लगाए वो सारा यहाँ के अंदर देखो है, दिख रहा लाइटिंग रिंग। हाँ बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा भाई, एक महीने भगवान की फोटो है भाभी दिखेगी, एक कुछ यूनिक है ये चीज़ मंदिर के मायने। मंदिर के मायने धन फोटो है, भगवान राम का दर्शन होगा। दूसरा मॉडल ये है छोटो, फिर अलग कलर के अंदर भी है, यो ब्राउन कलर में जो अभी नेचुरल कलर मेरे हिसाब से कुछ ही है, ब्राउन ही है, तो मैच करके मैं ये काम में लिए, मटेरियल काम में लिए के अंदर, ये कलर भी काम में लिए, बिल्कुल भी ध्यान रखे मैं। दूसरों में एक अंदर गोल्डन को बनाया हो, एक अंदर मैं जो सीटा काम में लिए ना, ये कोई बैक रेडीमेड सीट को नहीं मिला या आज सीट मेरी खुद की बनाई है या। अच्छा, ये रॉ मटेरियल की जो सीट है भाभी थे खुद मैन्युफैक्चर करी है, जो ये मंदिर के अंदर लाग रही है ना, ये मैं खुद तैयार करी है। एक मायने तीन सीटा काम में ली, एक मेटेलिक सीट है, एक अंदर एक ओएसपी सीट है, एक अपने एमडीएफ है, तीन चीज़ें एक अंदर काम में ली है और भी से बनाए गए हो। एक अंदर भी पूरी प्रॉपर बाकी बा खुदाई वगैरह जो भी डिजाइन है वो सारों वो करे हुए एक अंदर। बिल्कुल, एक यूनिक आइटम है जो ये खुद के हिसाब से खुद जो सीट है वह बना के फिर बनाई गई है। बड़ी साइज के अंदर मेरे कहीं वही है एक कास्ट गोल्डन। अच्छा, यो डब्बा के अंदर जो पैक है। हाँ, यो पैक है, ये खास चीज आएगी थे चाहे धूप में पानी में थे इन कहीं रख दो तो इसके कोई प्रॉब्लम को नहीं होनी। तीसरा मारो एक वो मॉडल भी है जो बड़ो वुडन के अंदर है, वो भी एक अंदर भी अच्छी खासी में काम को रहेगा अंदर। लगभग की बात करा तो 100 से प्लस स्क्वायर फीट के अंदर एमडीएफ लगे जो सीट है ना, 100 से प्लस 100 स्क्वायर फीट तो ज़्यादा प्लाई को ज़्यादा प्लाई के अंदर लगे। अब तो देख रहा होगा कि नीचे को नीचे को बेस है ना, एक मायने कितनी लेयर है, तीन लेयर दी गई के अंदर, तो तीन लेयर जो है मान लो कि यो 10x15 को है तो लगभग कितनी फिट तो यही होगी, तीन टुकड़ा कितना फिट का होगा। फिर एक अंदर हर जगह मजबूती के लिए भी खास ध्यान रखे हुए, ये देखो दे 3.5 mm की एमडीएफ है, एक अठे 4 लेयर चढ़ा रखी है मैं, फिर एक बाद में 3 लेयर चढ़ा रखी है, फिर 3 चढ़ा रखी है, फिर 3 चढ़ा रखी है, मतलब मजबूती को एकदम खास ध्यान रखे, क्वालिटी है बिल्कुल पूरा ध्यान रखे। मारो मानना ये है कि 7 पीढ़ी मतलब कड़े गुंजास गए हो। लाइटिंग भी अभी इम्पोर्टेड लाइटिंग बढ़िया लाइटिंग दी है, मायने पावर को भी अच्छे खास ध्यान रखे है। नॉर्मली मतलब जो मोबाइल चार्जर है ना बीतो पावर कंजप्शन है, क्योंकि मंदिर में अगर कोई 24 घंटा लाइट भी जला दो कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे कॉस्ट कौन पड़े बिल की। हाँ, बिल को इतना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। आगे जब 22 तारीख ने मंदिर को उद्घाटन है अयोध्या को, तो एक बाबत भी कोई मंदिर वगैरह थारा गए हैंगे अयोध्या की तरफ? अयोध्या की तरफ तो कौन गए हमारा, लेकिन अभी महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, केरला है, यूपी, एमपी, जयपुर, काफ़ी जगह जा रहे हैं। एक मायने थे देखोगा तो पार्ट्स के लिए मैं आने देखो फाइल भी बना के दे रहा है कि फाइल में भी थे सोच को कितना टाइम दी होगा मैं। बिल्कुल, जो कटिंग की फाइल है जो छोटा छोटा पार्टियाँ की फाइलों का प्रारूप है बनाए गए। देखो G1 के मायने 6 पीस लगा गए, G1 का G1 यूरियो 6 लगा के अंदर, G3 के मायने 4 लगा, G4 का 6 लगा, एक
एक का मायने एक नंबर एल का दो पीस लगे, एक में दो नंबर का नो पीस लगा, ऐ करके एक मायने है ना 200-250। काफी अच्छी बारीकी है जो आपके वर्करान भी समझा के और शानदार तरीका से जो राम मंदिर है बिल्कुल निर्माण है वो करे जा रहे है। एक छोटी सी जगह का मायने, एक छोटा सा गाँव का मायने, और खुद से प्रेरित होके भगवान के राम के प्रतिया को समर्पण हो कि बांको मंदिर को निर्माण है वो कर रहे हैं। एक बार थाने वीडियो कसो लगे थे मान कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। और साथ ही जो कमलेश जी हैं भाई कारीगरी पर थारो के कहना है और कौन सी जगह थे देख रहे हो कमलेश जी के प्लांट के मैं अपने ने एक यूनिक चीज जब दिखी है के बारे में भी जानूंगा। कमलेश जी वो क्या आइटम है? यो भी मंदिर ये घरेलू मंदिर है यो। एक मायने में सारो इम्पोर्टेड चीज़ें काम में लिए, गोल्डन मिरर सीट भी काम में लिए, एक अंदर ये प्री लेमिनेटेड सीट काम में लिए और काफ़ी मजबूती के साथ बनाया इन्हें भी। और अंदर भी थे देखो एक अंदर कितनी सारी में डिजाइना कटिंग करी है अठे जो मंदिर को जो वैकर है ना गेट को जो वैकर वो भी मेड़े करे एक मायने। और जो भी मैं छोड़े को नहीं गणेश जी है शुभ लाभ है ये मंदिर की घंटी अच्छा पूरा मंदिर है वो भी साफ डिजाइन में थे तैयार करके छोड़ दिए। घरेलू मंदिर बनाया मैं अभी मतलब कंप्लीट है वो और अब रनिंग में आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा अभी के ऊपर वर्क करोगा थे? तैयार करिएगा एक ऊपर वर्क करोगा थे? हाँ ये पे थोड़ा वर्क और है। थान वीडियो को सब लगे थे मान कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। और कमलेश जी के लिए थारी की राय है भाभी थान कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। और देश दुनिया में जुड़ा रहने के लिए बनाए रहो झलको झुंझुनू के साथ। राम राम।